अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के, साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तकरीबन ये हमने 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। 2 हमने ये अंडे लिए हैं, 1/2 कप हमने ये दूध लिया है, 1 टीस्पून हमने चीनी ली है, 1 चुटकी हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, 1 चुटकी ही नमक लिया है और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस जाएगा। और ये ऑयल है फ्राई के लिए, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं फ्राई के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इसमें चीनी, नमक, दालचीनी का पाउडर सब चले गया, साथ ही इसके अंदर हम ये वेनिला एसेंस भी डाल लेते हैं। अब इन सब चीजों को डाल के हमने बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। हमने 2 मिनट अच्छी तरीके से फेटा है, यह हो चुका है। अब हम ऑयल डालते हैं। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक टोस्ट हम उठाते जाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से डुबोकर डालते जाएंगे। अभी जैसे एक साइड हो जाएगा इसका हम पलट देंगे, तकरीबन ये 30 सेकंड में हो जाएगा एक साइड। अभी हो चुका है, इसको हम पलट लेते हैं। अब जैसे ही दूसरा साइड हो जाएगा इसको हम उतार लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं, हो चुका है ये। और इस तरीके से हम तमाम को कर लेंगे। अभी तैयार है हमारे फ्रेंच टोस्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। अब अपने शेफ ज़रीन फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।